हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज़ टॉक चैनल में। इरफान खान की मौत पर रो रहे फैंस, मरने से पहले ये थे उनके आखिरी मैसेज। चलिए जानते हैं क्या है उनका आखिरी मैसेज, जो कि शायद फैंस के लिए भी है, उनके परिवार के लिए भी है और ये जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको पसंद करते थे पर अभी उनका निधन हो चुका है। कमेंट बॉक्स में RIP करके कमेंट ज़रूर कीजिए। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के निधन की खबर से बॉलीवुड से लेकर आम आदमी तक मायूस है। मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके बाद उन्हें कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ICU वार्ड में भर्ती करवाना पड़ा। जिस समय इरफान ने अंतिम सांस ली, उस वक्त वह अपने परिवार के सदस्यों से घिरे हुए थे। इरफान ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी आखिरी इच्छा ये है कि आखिरी समय में उनका पूरा परिवार उनके साथ रहे। इरफान खान के निधन की जानकारी डायरेक्टर सुजीत सरकार ने ट्वीट करके दी। इरफान की मौत को लेकर डायरेक्टर सुजीत सरकार ने ट्वीट में लिखा, मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा, हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबल को मेरी संदेश, तुमने भी लड़ाई लड़ी, जो तुम इस लड़ाई में दे सकते थे तुमने सब कुछ दिया। ओम शांति, इरफान खान को सलाम। आई होप गाइज आपको हमारी तरफ से जानकारी तो अच्छी लग रही होगी, पर दुख भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा कि इतने बेहतरीन अभिनेता हमारे बीच में अभी नहीं रहे। ये यकीन ही नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। कमेंट बॉक्स में RIP करके कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।